टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशासन एवं फुलवरिया के बीच क्रिकेट का मैच खेला गया, जिसमें टेरागाछ प्रशासन की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 69 रनों का लक्ष्य फुलवरिया की टीम को दिया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी फुलवरिया की टीम में 10 ओवर में ऑल आउट होकर मात्र 59 रन ही बना पाई। इस तरह से यह मैच टेरागाछ प्रशासन की टीम ने जीत लिया। टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र में 73वें गणतंत्र दिवस धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं टेरागाछ प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड प्रमुख कैसर रजा ने ध्वजारोहण किया। वहीं टेरागाछ के 12वीं बटालियन एसएसबी के माफी टोला के जवानों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात लालपानी खनियाबाद के जवानों भी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। टेरागाछ के हाड़गांव पंचायत के पंचायत भवन में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए टेरागाछ के कृषि भवन में आन बान के साथ तिरंगा झंडा फहराया गया। कृषि पदाधिकारी उदय शंकर ने किसान भवन में झंडा तोलन किया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी किसान सलाहकार, स्थानीय लोग, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि शामिल थे। गणतंत्र दिवस टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोग कोरोना गाइडलाइन के तहत झंडा तोलन कार्यक्रम किया जा रहा है। टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। ग्रामीण क्षेत्र में भी गणतंत्र दिवस को लेकर काफ़ी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। वहीं मकतब के बच्चों में भी गणतंत्र दिवस को लेकर काफ़ी उत्साह देखे जा रहे हैं। वहीं टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के जामा मस्जिद फुलवारी में झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया, जहाँ जामा मस्जिद फुलवारी में मकतब के इमाम द्वारा झंडा फहराया गया और छात्र छात्राओं में गणतंत्र दिवस को लेकर काफ़ी उत्साह भी देखा गया।